दोस्तों, यूं तो दिमाग सबके पास होता है, लेकिन हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इंटेलिजेंट कहलाते हैं तो कुछ लोग सामान्य बुद्धि वाले, और वहीं कुछ मंद बुद्धि। इनमें से जो लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है और हर क्षेत्र में ये तरक्की करते हैं। बुद्धिमान लोगों की कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, तो चलिए आज आपको बताते हैं उनकी बुरी आदतों के बारे में। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों की ये तीन बुरी आदतें उनके दिमाग को तेज बनाए रखने में उनका साथ देती हैं। एक रिसर्च के अनुसार इंटेलिजेंट लोगों की कुछ बुराइयां सामने आई हैं, जिन्हें वे चाह कर भी बदल नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं उन तीन बुरी आदतों के बारे में। हो सकता है इनमें से एक आप में भी मौजूद हो। बात बात पर कस्में खाने की आदत। दोस्तों, बात बात पर कस्में खाने वालों लोगों से आप दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग खुद के बचाव के लिए कसम का कवच ओढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो छोटी छोटी बातों पर कसम खा लेने वाले लोग दिमागी रूप से काफी तेज होते हैं। दूसरे नंबर पर वो हैं जिन्हें नींद बहुत कम आती है। बुद्धिमान लोगों की उनकी दूसरी कमी उनकी कम नींद है। रात को इन्हें देर से सोने की आदत होती है। एक रिसर्च के अनुसार वे लोग जिनका IQ 75 के आसपास होता है, वे लोग रात 11 बजे से पहले सो जाते हैं, लेकिन जिनका IQ 125 के पार है, वे रात 1 बजे से पहले नहीं सोते। तीसरे नंबर की बुद्धिमानों की बात की जाए तो ये अपना सामान सही जगह पर सही सलामत नहीं रखते हैं। यह बुरी आदत इंटेलिजेंट लोगों की एक बहुत बुरी आदत है। इनके कमरे में आप जब कभी भी जाएंगे, इनका कमरा आपको कभी भी सुव्यवस्थित नहीं नजर आएगा और सामान यहाँ वहाँ बिखरा मिलेगा। कहा जाता है कि ऐसे लोग अपना सामान कभी समेट कर नहीं रखते। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। रिसर्च के अनुसार इनके आसपास की बिखरी हुई चीजें इन्हें कुछ अलग सोचने की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप में भी ये आदतें हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल द प्लैनेट एडवेंचर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।